दिल्ली में कालकाजी डीडीए फ्लैट्स में हैं और कालकाजी डीडीए फ्लैट्स में यहाँ कमलेश रावत जी के साथ साथ हम सभी गण निवासी यहाँ पर हैं और यहाँ की जो समस्या है वो हमने कई बार अधिकारियों को बताई है। समस्या ये है कि रिहायशी क्षेत्र में, रिहायशी जगह पर यहाँ शराब का ठेका खोला जा रहा है, शराब की दुकान खोली जा रही है। उनका घर है, सब बहन बेटी वाले हैं, सबकी बहू बेटी है, सबके बच्चे हैं। मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, आप इसको जल्द से जल्द संज्ञानित लें और यहाँ पर कालकाजी के इन फ्लैट्स में शराब की दुकान कतई नहीं खुली जाएगी। इसके लिए हम लोग पिछले 15 दिन से ऐसी ठंड में यहीं पर हैं, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हम ये शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। पंजाब को नशा मुक्त करेगा, दिल्ली को नशे में झोंक देगा। बस तो आप समझ लीजिए ये बात। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ धोखे का नाम है, केजरीवाल और कुछ नहीं, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। बेशरम अगर कोई मुख्यमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। बस समझ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छे से दिल्ली सरकार को ये स्पेशली बताने के लिए कि कल को वो कहें कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है, ये जन जन तक पहुंचेगा। पिछले 15 दिन से बैठे हैं, चाहे 15 महीने बैठना पड़े, चाहे आप बैठा ही रहना पड़े, तो आप ये समझ लें कि यहाँ शराब का ठेका कतई मंजूर नहीं होगा। अब जैसे कि बहन जी रहती हैं, उनकी 6 बेटियाँ हैं ऊपर और विडो हैं वो, तो ये कहाँ जाएंगी। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द इसको संज्ञानित करे और संज्ञान में लेते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दे कि यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। ये शीला भाभी जी हैं, ये इनके 6 लड़कियां हैं और ये विधवा औरत हैं, ये अपना पालन पोषण बच्चों का खुद अपने हिस्से करती हैं। आप बताइए ये कहाँ जाएंगी, इनका 1 बेटा है और ये हमारी भाभी जी हैं, इनसे पूछिए, इनको मेडिकल के लिए। आप बताओ भाई जी, हम एक टाइम खाना खा रहे हैं। कुछ साल पहले मेडिकल के लिए लाइसेंस के लिए गए थे तो यहाँ के लिए मना कर दिया कि ये फ्लैट है, इनमें आपकी शॉप नहीं खुल सकती, या तो आप मिनी मार्केट ढूंढिए या कोई डीडीए मार्केट ढूंढिए, उसमें मिलेगा। मेडिकल स्टोर, दवाई की दुकान, जो जीवन रेखा है, है ना, ये तो जीवन बर्बाद करने के लिए खुल रहा है ना। देख रहे हैं आप, देखने वाले देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की कारगुजारी देख रहे हैं यहाँ पर, कि कालका जी के इन फ्लैट्स में जहाँ वो दवाई की दुकान खोलना चाहती है, जीवन रक्षक दवाई की दुकान खोलना चाहती है, मेडिकल स्टोर खोलना चाहती है, उसकी परमिशन तो नहीं मिली और शराब की दुकान यहाँ पर खुलने की तैयारी में है।